नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकॉनमी रमेश सिंह चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। यहाँ पे इतने टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स से लेके इकोनॉमिक सिस्टम्स तक। यहाँ पे बात करेंगे वॉशिंगटन कंसेंसस के बारे में, बीजिंग कंसेंसस के बारे में और सेंटियागो कंसेंसस के बारे में। बेसिकली पॉलिसी रिफॉर्म पैकेजेस, आपको देखिए पता ही है कि ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का, मार्केट इकोनॉमी में नॉन मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को घुसेड़ा गया। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, ये जो बीजिंग कंसेंसस है, ये सेंटियागो कंसेंसस है, ये तीन अलग अलग व्यू पॉइंट्स दे रहा है कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को टेकअप करना चाहिए, कैसे डेवलपिंग कंट्रीज की सरकारों को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट करने चाहिए। और इन सारे कंसेंसस में सबसे पहला कंसेंसस जो निकल के आता है वॉशिंगटन कंसेंसस। मिड 1980s के लगभग की बात है। बेसिकली हुआ ये वॉशिंगटन कंसेंसस है क्या, इट इज अ सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस। बाय 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस, ये 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस क्या हैं, ये यहाँ लिखी हुई हैं, इसको अभी हम लोग टेकअप करते हैं। तो भाई ये 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस यानी डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपको कुछ बीमारी, तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि भाई ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। उसी प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को बता रही हैं कि आप अगर अपनी इकोनॉमी में ये चेंजेस करते हैं तो अच्छा चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड रिफॉर्म पैकेज में क्या होना चाहिए, ये इस वॉशिंगटन कंसेंसस के थ्रू बताया गया। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज और खासकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उस समय पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। तो खासकर ये सारी बातें थी ना, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के स्पेसिफिकली कही गई थी। अब इसको वॉशिंगटन कंसेंसस क्यों कहा गया, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आइडिया बताए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के आइडिया बताए जा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी के आइडिया बताए जा रहे हैं। ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेस्ड हैं कहाँ पे, वॉशिंगटन में। तो चूंकि तीनों के तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहे हैं, तीनों वॉशिंगटन में बेस्ड हैं, इसलिए यूएस इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन ने इसको वॉशिंगटन कंसेंसस नाम का फ्रेज दिया। ठीक है भाई, उसके आगे देखो, subsequent to Williams' use of terminology and despite his emphatic opposition, the phrase Washington consensus has come to be used fair widely in a second broader sense to refer to a more general orientation towards a strongly market-based approach. अब समझिए दोस्तों, 1989 में पहली बार जो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन विलियमसन, इन्होंने प्रयोग किया इस फ्रेज का, किसका, वॉशिंगटन कंसेंसस का। इस वॉशिंगटन कंसेंसस में क्या प्रिस्क्रिप्शंस थे, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कैसे किया जाए, इकोनॉमिक ओपनिंग कैसे करी जाए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, मार्केट फोर्सेस का एक्सपेंशन कैसे किया जाए डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। 10 पॉइंट रिफॉर्म पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं, उसके बारे में चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। पहली चीज़ यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग वर्ल्ड को क्या बता रही है, डेवलप्ड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे IMF है, वर्ल्ड बैंक और US डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन करो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प कर सकते हैं आप ज्वाइन बटन दबा के, आपके लिए बहुत सी वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ। आप मेरे ये चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि NCERTs के रिस्पेक्ट में मैंने कौन सी वीडियोस बना रखी हैं, पॉलिटी के रिस्पेक्ट में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री, आगे आने वाले समय में एंशियंट हिस्ट्री, तो इसके रिस्पेक्ट में जो जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वहाँ पे प्लेलिस्ट वाइज आपको मिल जाएगा। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा मैं आपके मैसेजेस के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ करंट अफेयर्स की उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड मिल जाएगी और मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो पहली चीज़ तो फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से बोला गया कि आप पैसा सोच समझ के खत्म करो। ठीक है भाई, अब जब पैसा सोच समझ के ख़त्म करो तो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में ये भी तो बताएगा कि भैया पैसा कैसे ख़त्म करो। तो यहाँ पे वॉशिंगटन कंसेंसस में क्या बोला जा रहा है, अ रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज टुवर्ड्स फील्ड्स ऑफरिंग बोथ हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स एंड पोटेंशियल टू इम्प्रूव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सच एज प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक, IMF और US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी डेवलपिंग कंट्रीज से क्या बोल रही है कि आपके पास जो भी सरकार आपकी खर्चा कर रही है, आपकी सरकार जो भी पैसा खत्म कर रही है, वो पैसा आप ऐसे फील्ड्स में ख़त्म करिए जहां से आपको हायर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले, जहां से आपके पैसा कमाने का स्कोप बढ़े। और जब वो पैसा आप कमाओगे ना, जो भी इनकम निकल के आएगी उस इनकम को आप कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करो कि ओवरऑल सोसाइटी का ग्रोथ हो, ओवरऑल सोसाइटी की हेल्थ केयर बढ़े।
प्राइमरी एजुकेशन में खर्च किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े इकोनॉमी का जिससे फर्दर इकोनॉमिक पुश मिले, मार्केट को पुश मिले। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ क्या बताया जा रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स, मतलब आप टैक्स रिफॉर्म्स लेके आओ, यानी कि वो कंट्रीज, वो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अपने कॉर्पोरेट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा रही हैं, उन्हें अपने टैक्सेस कम करने चाहिए, अपने टैक्सेस के रेट कम करने चाहिए और अपने टैक्सेस को ब्रॉडन करना चाहिए, टैक्स बेस को ब्रॉडन करना। मतलब कि हो सकता है कि इन कंट्रीज में एक बहुत बड़ी आबादी हो जो ज़्यादा पैसा कमाती हो, तो जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उससे भी टैक्स लिया जाए। फिर इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन की बात करी गई यहाँ पे। अब आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन क्या होता है? देखिए, मार्केट में आप बैंकों में जाके पैसा उधार उठाते हो, देश की सरकारें मार्केट से पैसा उधार उठाती हैं, ओके। आप देखिए कि जो सेंट्रल बैंक है वो अलग अलग शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार पे देती है, तो जिस इंटरेस्ट पे भी ये पैसों का लेन देन होता है, ये इंटरेस्ट मार्केट डिटरमिन होना चाहिए। इस इंटरेस्ट को आर्टिफिशियली या मैकेनिकली सरकारों द्वारा बदला जाए ये सही नहीं। तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ने घटने दीजिए, गवर्नमेंट उसमें कम से कम इंटरफेरेंस करें। फिर एक कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट रखा जाए, यानी कि जिस देश में रिफॉर्म ला रहे हो वहाँ की करेंसी और बाकी दुनिया की करेंसी जैसे कि USD यूरो, उससे जो एक्सचेंज रेट हो वो कॉम्पिटिटिव हो। तो आप अपनी करेंसी को इतना डीवैल्यू मत कर लो कि आपके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव लगने लगे और आपके इंपोर्ट्स नॉन कॉम्पिटिटिव लगने लगे। ट्रेड लिबरेशन मतलब यही हो गया कि भाई ट्रेड के फील्ड में आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो ताकि आपकी इकोनॉमी में FDI इन्फ्लोज ज़्यादा आए, ठीक है। आपके देश में अगर कोई सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगाओ, ये सब आता है ट्रेड लिबरेशन में। FDI इन्फ्लोज मतलब कि आपके देश के जो कंपनीज हैं, आपके देश में जो एसेट्स हैं, वहाँ पे बाहर वाले लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको स्टेक मिलेगा तो वो भी पैसा कमाएंगे। प्राइवेटाइजेशन करिए, तो डेवलपिंग कंट्री से बोला गया कि भाई आपके यहाँ सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग जो सरकारी कंपनीज कर रही हैं, इन सरकारी कंपनीज की पब्लिक सेक्टर का बादशाहत कम करो और प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मारने दो। डीरेगुलेशन करो, डीरेगुलेशन मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में हर चीज़ बहुत स्ट्रांगली रेगुलेटेड थी सरकार के द्वारा, एक प्रकार का इंस्पेक्टर राज चलता था, लाइसेंस राज चलता था, सरकार जो चाहती थी वो होता था, सरकार जो नहीं चाहती थी वो नहीं होता था। ये नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ सरकार डीरेगुलेशन करने की बात कर रही है, मतलब कंपनीज आराम से अपने आप को रजिस्टर कर सकें देश के अंदर, कंपनी आराम से उस मार्केट को छोड़ सकें, कंपनी अपने इकोनॉमिक डिसीजंस आराम से इंडिपेंडेंटली ले सकें ऑटोनॉमस तरीके से, ये होता है आपका डीरेगुलेशन। और सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कि अब जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, वहाँ पे सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप सरकार की है, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप ओनरशिप इंडिविजुअल को देते हो तो उस इंडिविजुअल को एक पुश मिलता है कुछ इनोवेशन करने के लिए और उस इनोवेशन के बेसिस पे उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, तो ये करने की आप आज़ादी दो। तो जब आप प्रॉपर्टी राइट्स दोगे तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल जो कि वहाँ पे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, थोड़ा इनोवेशन करने की सोच रहा है, उसको आज़ादी मिलेगी कि हाँ भाई मैं कुछ अलग तरीके से करूँ, अगर मैं करूँगा तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। अब प्रॉपर्टी पूरी की पूरी सरकार के कब्जे में रहेगी तो कोई इंडिविजुअल इनोवेशन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये 10 पॉइंट्स बोले गए वाशिंगटन कंसेंसस में। अब भाई जैसे ही ये 10 पॉइंट्स आए वाशिंगटन कंसेंसस में, इन 10 पॉइंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगने लगा। क्या इल्ज़ाम लगने लगा? इल्ज़ाम लगने लगा कि यहाँ पे जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो मैकेनिज़म्स हैं वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे, ये क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये न्यू लिबरलिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये न्यू लिबरलिज्म नाम की चीज़ क्या होती है? अगर डेफिनेशन देखें हम लोग न्यू लिबरलिज्म की, तो ये मतलब करता है कि मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसी। आप प्राइस कंट्रोल को एलिमिनेट कर दो, आप कैपिटल मार्केट्स को डीरेगुलेट कर दो, आप ट्रेड बैरियर्स को कम कर दो, ठीक है, आप चीज़ों को ज़्यादा प्राइवेटाइज करो, ओके, ऑस्टेरिटी करो। ऑस्टेरिटी मतलब कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पैसा ख़त्म मत करो, सरकार की इंटरफेरेंस इकॉनमी में कम कर दो, ठीक है ना भाई। ये सब होता है आपका न्यू लिबरलिज्म। तो यहाँ पे जैसे ही वाशिंगटन कंसेंसस के पॉइंट सामने आए, लैटिन अमेरिका में बोला जाने लगा इसको न्यू लिबरलिज्म, बहुत सारे दुनिया भर के लोग इसको मार्केट फंडामेंटलिज्म बोलने लगे और एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोलने लगे। एक्चुअली में आप यहाँ पे अब एक चीज़ सिर्फ पर्टिकुलर वाशिंगटन कंसेंसस को कंपेयर करो, जो ग्रेट डिप्रेशन से पहले मार्केट इकॉनमी चल रही थी, मैंने आपको इससे पहले मार्केट इकॉनमी समझाई है। अगर मैं थोड़ा अपना PPT से पहले जाऊँ तो ये जो मार्केट इकॉनमी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाई है, आप भूल गए तो जाके इस वीडियो को देखो एक बार, ठीक है भाई। इस मार्केट इकॉनमी वाले सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत से फ्लॉज हैं जिसके चलते 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अभी जब ग्रेट डिप्रेशन 1929 में इसके चलते आ गया,
तो भाई लोगों को लगा कि भाई कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो मार्केट इकोनॉमी में नॉन मार्केट इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स जोड़े गए और मिक्सड इकोनॉमी करी गई। ये जब वॉशिंगटन कंसेंसस सामने आया ना, तो बोला गया कि भाई ये नए प्रकार का मार्केट मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, ये अभी भी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्योर कैपिटलिज्म है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा जा रहा है कि हाँ भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर को आप हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स वाली चीज़ में लगाओ, मतलब कि ज़्यादा पैसा कमाने वाली चीज़ में लगाओ, तो मतलब ठीक है आप मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच की बात कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वॉशिंगटन कंसेंसस में प्राइमरी हेल्थ केयर की भी तो बात की जा रही है, प्राइमरी एजुकेशन की तो बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो बात की जा रही है। क्या ये सब चीज़ों की बात मार्केट इकोनॉमी में करी जा रही है? क्या ये सब चीज़ों की बात न्यू लिबरलिज्म में करी जाती है? नहीं करी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स निकल के आए हैं। एक सेट ऑफ एक्सपर्ट ये निकल के क्या बोलते हैं कि भाई ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है ना, ये सब कुछ मार्केट के हाथ में दे रहा है। जबकि एक सेट ऑफ एक्सपर्ट ये बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है ना, जॉन विलियमसन, इनका यही बोलना है कि भाई आप वॉशिंगटन कंसेंसस को पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी मत समझो। अगर आप वॉशिंगटन कंसेंसस को पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी समझ रहे हो तो ये गलत समझ रहे हो आप, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने वॉशिंगटन कंसेंसस को इस बात पे क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये ब्लाइंड कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, जबकि देखिए ऐसा है नहीं ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जॉन विलियमसन साहब का क्या बोलना है, दैट ऑडियंसेस सेज दैट ऑडियंसेस द वर्ल्ड ओवर सीम टू बिलीव दिस सिग्निफाइज अ सेट ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हैपलेस कंट्रीज बाय द वॉशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड हैव लेड देम टू क्राइसिस एंड माइजरी। देयर आर पीपल हु कैन नॉट अटर द टर्म without foaming at the mouth. He further adds that many people feel that it gives the impression that the points outlined represent a set of rules imposed on developing nation by the United States. यहाँ पे विलियमसन साहब क्या बोल रहे हैं? विलियमसन साहब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में जिनका ये बोलना है कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस ये क्या करता है, ये कुछ न्यू लिबरल पॉलिसीज को जो हेल्पलेस डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर इम्पोज करता है। यानी ये जो आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे कि IMF हो गया, जैसे कि US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हो गया, इन्होंने कहीं ना कहीं वॉशिंगटन कंसेंसस की पॉलिसीज को दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जबरदस्ती दबाया है, जिसके चलते ये जो दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये क्राइसिस में, ये माइजरी में, इनके यहाँ गरीबी बहुत बढ़ रही, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि इस वॉशिंगटन कंसेंसस की पॉलिसीज के चलते दुनिया भर में डेवलपिंग कंट्रीज में इनइक्वालिटी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स अपने द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को दुनिया भर में इंपोज करना चाहता है। ठीक है भाई, ये एक लाइन ऑफ थॉट हो गई। जो एंटी फ्री ट्रेड एक्टिविस्ट है वो हमेशा वॉशिंगटन कंसेंसस को क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन क्या वॉशिंगटन कंसेंसस हर चीज में गलत है? देखिए अब यहां पे आप एक व्यू पॉइंट को समझो, वॉशिंगटन कंसेंसस गलत भी है और वॉशिंगटन कंसेंसस सही भी है। आपको याद होगा कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में। हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए थे, हमारे पास एक महीने का सामान इंपोर्ट करने का भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं था। तो इसी वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हमारे ऊपर कुछ शर्तें लगाई, इंडिया को बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करिए, थोड़ा बहुत फ्री मार्केट लेके आइए, लिबरलिज्म लेके आइए। तो सरकार ने हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। इसको मैंने बहुत डिटेल में NCERT में कवर किया। लेकिन अब आप समझिए बात को, अगर आप बात करो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, हमारी इकोनॉमी की GDP ग्रोथ रेट बढ़ी है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों की कमाइयाँ बढ़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इनइक्वलिटी भी बढ़ी है, जो गरीब और अमीर के बीच का फर्क है हमारे यहाँ वो भी बढ़ा है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हैं वो तो हमको मिले हैं, बट उसके कुछ नुकसान भी हैं। और इन्हीं नुकसानों के बेसिस पे बोला जा रहा है कि दुनिया भर में वॉशिंगटन कंसेंसस ने मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज को लाके, नियो लिबरल पॉलिसीज को लाके, फ्री मार्केट के कंसेप्ट को लाके इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एंड दिस इज अ बेसिस कि वॉशिंगटन कंसेंसस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। और वॉशिंगटन कंसेंसस का जो क्रिटिसाइजमेंट था ये सबसे ज़्यादा बढ़ा 2008 में। 2008 में आई US सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस, और ये जो 2008 की US सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई थी, इसके बाद से तो वॉशिंगटन कंसेंसस को खुल के लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। US सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वो वीडियो है शेडो बैंकिंग एंड सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस 2007 से 2010 एक्सप्लेन। आप शेडो बैंकिंग क्या होती है, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस USA में कैसे आई थी, उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा वो सिस्टम समझ में आ जाएगा।
ठीक है भाई, तो ये बातें यहाँ पे बोलेंगे। चलो ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई वाशिंगटन कंसेंसस से क्या फ़ायदे हुए, उससे नुकसान क्या हुए, और दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो वाशिंगटन कंसेंसस को कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट आया, ये भी हमने बात की। अब वाशिंगटन कंसेंसस के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है बीजिंग कंसेंसस। भाई आपने सुना होगा कि आज के डेट में चाइना एक ऐसा देश है जो सच में यूएस को टक्कर दे रहा है फाइनेंसिस में, तो चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर एक बहुत लंबी पढ़ाई हुई है। इस चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल को बीजिंग कंसेंसस भी बाहर बोला जाता है। क्या ये चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया 1976 में माओ ज़ेडुंग की डेथ के बाद, और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ये इंप्लीमेंट की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ डेंग ज़ियाओपिंग। डेंग ज़ियाओपिंग का सीधा सीधा नारा था चाइना में कि लोअर योर हेड एंड बाइड योर टाइम, मतलब कि उन्होंने चाइना में लोगों को बोला कि भाई अपना सर नीचे करो, काम करो, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ, और बिना मतलब अपनी पावर को दुनिया भर के सामने दिखाते मत फिरो। और कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ है। चाइना में हमको पिछले दो डिकेड्स में एक इकोनॉमिक मिराकल देखने को मिला है। उनका ग्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट 8 गुना स्पीड से बढ़ा है, 8-fold ग्रोथ हुई है। और 2004 में एक फ्रेज निकल के आया जिसको बोला गया बीजिंग कंसेंसस। इस फ्रेज को क्वाइन किया था जोशिया कोपर रामो ने। बेसिकली ये बीजिंग कंसेंसस क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है ये दुनिया भर की कंट्रीज के लिए एक अल्टरनेटिव है। ये दुनिया भर की कंट्रीज को बताता है कि भाई जो वाशिंगटन कंसेंसस है, इस वाशिंगटन कंसेंसस के अगेंस्ट बीजिंग कंसेंसस को देखो, ये भी एक ग्रोथ का तरीका है, ये भी कुछ ग्रोथ की गाइडलाइंस है। और कहीं ना कहीं बीजिंग कंसेंसस को अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से देखा गया। देखिए, इन 2016 रामो एक्सप्लेन्ड दैट बीजिंग कंसेंसस शोड नॉट दैट एवरी नेशन विल फॉलो चाइनाज डेवलपमेंट मॉडल बट दैट इट लेजिटिमाइजेज द नोशन ऑफ पर्टिकुलरिटी एज अपोज टू द यूनिवर्सैलिटी ऑफ वाशिंगटन मॉडल। कहने का मतलब यह है कि भाई बीजिंग कंसेंसस ऑब्वियसली बात है दुनिया भर की हर कंट्री तो फॉलो करने वाली है नहीं, और हर कंट्री में बीजिंग कंसेंसस सक्सेसफुल भी नहीं होगा, क्योंकि चाइना का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और बाकी दुनिया की कंट्रीज का पॉलिटिकल लैंडस्केप अलग है। लेकिन ये जो वाशिंगटन मॉडल, वाशिंगटन कंसेंसस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर कोई को लगता है कि भाई वाशिंगटन कंसेंसस ही सब कुछ कर सकता है, ये गलत है। कहीं ना कहीं वाशिंगटन मॉडल के रिस्पेक्ट में बीजिंग कंसेंसस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बीजिंग कंसेंसस में 3 बेसिक पिलर्स बताए गए हैं। पहला पिलर क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। चाइना के जो लीडर्स थे वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते थे, लगातार इनोवेशन करते थे, लगातार चीजों को बदल के अलग अलग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके देखते थे प्रोएक्टिवली कि कौन सी पॉलिसी उनके लिए काम कर रही है। फिर चाइना का मॉडल बात करता है पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ पर, मतलब ग्रोथ को पीसफुल रखो, ज़्यादा बवाल नहीं चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब भाई जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स का वो अच्छा होना चाहिए, मतलब जो भी वेल्थ क्रिएट हो रही है चाइनीज इकोनॉमी में वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। चाइना के लीडर्स ने, चाइना के पॉलिटिकल लीडर्स ने हमेशा इस बात को ध्यान रखा है कि अगर उनको अपनी ऑटोक्रेसी चलानी है, अपनी बादशाहत चलानी है, अपनी डिक्टेटरशिप चलानी है, तो भाई जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसके बेनिफिट लोगों तक पहुंचने चाहिए, लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। लोगों का अगर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा तो वो हमारे खिलाफ रेवोल्यूशन कर देंगे। तो भाई ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के चलते डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ, यानी जो भी बेनिफिट इकोनॉमिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहा था वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी समझा चाइनीज लीडर्स ने। फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूसिव ऑफ सेलेक्टिव फॉरेन आइडियाज। बीजिंग के लीडर्स ने बोला कि भाई हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन वी आर ऑलवेज ओपन टू सेलेक्टिव फॉरेन आइडियाज, मतलब कुछ फॉरेन आइडियाज जो कि अगर हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर पाएंगे हम उसको इम्बाइब करेंगे। और इन्हीं सेलेक्टिव फॉरेन आइडियाज में मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी पहुंचा है चाइना में। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भाई चाइना में मार्केट सिस्टम था ही नहीं, बिल्कुल था। चाइना ने फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो भी अच्छे पॉइंट्स हो उसको अपने पास उठाया। आप समझिए, ये जो बीजिंग कंसेंसस वाला मॉडल है ये इतना सक्सेसफुल हुआ 2008 में जब यूएस में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई और दुनिया भर की इकॉनमी बैठ गई। उस समय पे चाइना की इकॉनमी डायनेमिक थी, चाइना की इकोनॉमी तब भी बढ़ रही थी। उस समय पे पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स का ध्यान कहीं ना कहीं वाशिंगटन कंसेंसस से हट कर कहाँ पे गया, बीजिंग कंसेंसस पे गया। सबने बोला कि भाई ऐसा क्या है कि वाशिंगटन कंसेंसस के चलते सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आ गई और ये चाइना का जो मार्केट
मॉडल है ये चालू ही चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक्टिवली ये परस्यू करना शुरू किया कि भाई हम चाइनीज़ मॉडल को फॉलो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है चाइना का जो मॉडल है ना वो हर कंट्री में अप्लीकेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में चाइना का मॉडल अप्लीकेबल नहीं हो सकता। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप ने बोल दिया कि ये डैम बनेगा तो उस डैम को बनाने के लिए हजारों घर तोड़ने पड़ जाएं, आदमियों के ऊपर से बुलडोजर चलाना पड़ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी इन्वायरमेंटल लॉस वायलेट हो रहे हैं वो सब कर देंगे। लेकिन इंडिया में अगर एक डैम बनाना हो तो भाई सरकार को डैम बनाना मुसीबत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे लेट जाएंगे, कहेंगे हमारी जगह मत छीनो, सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में बतेरे तरीके के केस फाइल हो जाएंगे। तो समझ गए जिस प्रकार से जिस स्पीड से चाइना की सरकार और चाइना की लीडरशिप डिसीजन लेकर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाती थी इंडिया वाले नहीं कर पा रहे थे, इसी प्रकार से दूसरी कंट्रीज़ भी नहीं कर पा रही थी। तो ये जो बीजिंग कंसेंसस की सक्सेस है इसको हर कोई एम्यूलेट नहीं कर सकता, क्योंकि सबके यहाँ पे चाइना जैसा पॉलिटिकल सेटअप नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझनी होगी, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस के बाद बीजिंग कंसेंसस की बहुत तारीफ हुई, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि जो वाशिंगटन कंसेंसस है ये डेड है और आज की डेट में जो कुछ भी है वो बीजिंग कंसेंसस है। लेकिन ये बात गलत थी। गलत इसलिए थी क्योंकि बीजिंग कंसेंसस में भी जो फायदा वाला एलिमेंट था, जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट था, जो वेल्थ क्रिएशन वाला एलिमेंट था, वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को ही फॉलो कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि बीजिंग कंसेंसस बिल्कुल ही कोई एक अलग चिड़िया है और वाशिंगटन कंसेंसस बिल्कुल ही एक अलग चिड़िया है। वाशिंगटन कंसेंसस में जो वेल्थ क्रिएशन और फ्री मार्केट वाले इकोनॉमिक वाले आइडिया है ना, वो कुछ आइडिया बीजिंग कंसेंसस में भी मिलते हैं, ठीक है। चाइना की बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तभी रही है जब मार्केट डोमिनेंट तरीके से काम कर रहा था। ये अलग बात है कि उस मार्केट से जो भी पैसा निकल के आता है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है चाइना की सरकार, जबकि वाशिंगटन कंसेंसस जिस भी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है वहाँ पर इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ओके। हालांकि 2010 आते आते चाइना की जो ग्रोथ का मॉडल है उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ था उनकी इकोनॉमी के बढ़ने का वो थोड़ा कम हुआ, तो सबको लगा कि नहीं भाई चाइनीज़ मॉडल फॉलो नहीं करना है। अब देखिए चाइनीज़ मॉडल 1976 से चल रहा है, 2010 तक आते आते उसकी ग्रोथ में थोड़ी कमी हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में चाइना की इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी पे यूएस को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं बीजिंग में एक इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म है, अपनी इंडस्ट्री को बचाने वाली बात है, बाहर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाली बात है, एक इनवर्ड लुकिंग बीजिंग की अप्रोच है चाइना की। तो ये जो बीजिंग कंसेंसस में जो एक अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इनवर्ड लुकिंग है। इस इनवर्ड लुकिंग अप्रोच को, इस प्रोटेक्शनिज्म की अप्रोच को, अब आप बोलोगे प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म ये होता है कि हम अपने देश में बनाई हुई चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर जो भी चीज़ें बन रही है उसको हम अपने यहाँ इम्पोर्ट ना करके अपनी लोकल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे उस चीज़ को इम्पोर्ट करने के लिए। जैसे कि प्रोटेक्शनिज्म की एक अप्रोच मैं बताता हूँ चाइना की, चाइना में ना ट्विटर चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना गूगल चलता है, उनके खुद के वर्जन्स हैं, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। इस प्रकार का प्रोटेक्शनिज्म अलग अलग फील्ड्स में कुछ हद तक यूएस यूके भी फॉलो करने लगा है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इकोनॉमी को ओपन करके हम कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाइना दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं इस अप्रोच को यूएस यूके फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो गया बीजिंग कंसेंसस। अब बात करते हैं फाइनल कंसेंसस की, सेंटियागो कंसेंसस। सेंटियागो कंसेंसस को भी एक अल्टरनेटिव बोला गया है वाशिंगटन कंसेंसस का। सेंटियागो कंसेंसस का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट थे जेम्स डी वुल्फेनसॉन, इन्होंने सेंटियागो में डेवलपिंग कंट्रीज को सेंटियागो कंसेंसस का सिद्धांत दिया। कोर आइडिया क्या है कंसेंसस का? इंक्लूजन, वी शुड नॉट ओनली बी इकोनॉमिक बट सोशल टू। मतलब यहाँ पे आप इकोनॉमिक इंक्लूजन करो, इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात भाई वाशिंगटन कंसेंसस में भी करी गई है, बट इस इकोनॉमिक इंक्लूजन में सोशल इंक्लूजन जोड़ दिया, ठीक है। तो सेंटियागो कंसेंसस इज वाशिंगटन कंसेंसस प्लस सोशल इंक्लूजन। मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो डेवलपमेंटल मॉडल है ना वो बीजिंग कंसेंसस की तरह दिख रहा है, क्योंकि बीजिंग कंसेंसस में इकोनॉमिक कंसेंसस के साथ साथ सोशल कंसेंसस पे भी ध्यान दिया गया है, सोशल बेनिफिट्स पे भी ध्यान दिया गया है। बीजिंग कंसेंसस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी ध्यान है, सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान है। वाशिंगटन कंसेंसस में भी कुछ हद तक सोशल डेवलपमेंट में ध्यान है, कुछ हद तक बीजिंग कंसेंसस में सोशल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स लोगों तक पहुँचे इस बात को गारंटी किया है चाइना के लीडर्स ने, ये चीज़ की गारंटी वाशिंगटन कंसेंसस में नहीं थी, इस चीज़ की गारंटी को सेंटियागो कंसेंसस में देने की बात करी गई। तो एक ऐसा मॉडल जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पे ध्यान दिया जाए, ये बात यहाँ पे बोली गई। अब इसके लिए एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है।
यहाँ पे सेंटियागो कंसेंसस को सक्सेसफुल बनाने के लिए और दुनिया भर के इकोनॉमिक मॉडल्स को इक्विटेबल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने आइडिया दिया कि काम करिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है 2000 के हम लोग एरा में पहुंच गए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को अपने प्लानिंग स्टेज में इम्बाइब करिए। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेली मर्रा की चीज़ बन गई, लेकिन 2000 में चले जाइए, 1990s में चले जाइए, उस समय पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर की कंट्रीज़ को बोला कि भाई आप अपने काम करने के तरीके में, इकोनॉमिक तरीके में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एसिमिलेट करिए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं ये स्पिरिट ऑफ ओपननेस लेके आएंगी, पार्टनरशिप लेके आएंगी, जो राइजिंग ग्लोबलाइजेशन है उसके चलते एक जगह पे बेनिफिट्स क्या क्या आए, कैसे कैसे आए, उन बेनिफिट्स को दूसरी कंट्रीज को अवेलेबल करवाने के लिए नॉलेज ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डेवलपमेंट एक्सेस फॉर ऑल। मतलब दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे जिस जिस फील्ड में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट का तरीका दुनिया में हर कंट्री को पता हो, ताकि वो कंट्रीज दूसरों के आइडियाज से अपने देश को डेवलप करने के आइडियाज बना सके। कुल मिला के यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक नॉलेज बैंक बनाने की बात की, एक इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ नॉलेज बैंक बनाने की बात की, जहाँ से आइडियाज को निकाल के दुनिया भर की कंट्रीज अपने लोकल कंटेक्स्ट में इंप्लीमेंट कर सके। बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड बैंक दुनिया भर की सरकारों से यही बोल रहा है कि भैया सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सोशल ग्रोथ भी करेंगे हम लोगों की, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेंगे। कहीं ना कहीं इस मॉडल को देखते हुए हमारी देश की सरकार ने भी 2002 में थर्ड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे, उनका बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट हुआ है। आज के डेट में भी आप देख रहे हो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनइक्वालिटी। और ये बात आपको सबसे ज़्यादा कब पता चली होगी, जब COVID-19 का पैंडेमिक फैला था। COVID-19 के पैंडेमिक के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, और जो गरीब हैं उनको डेकेड्स लग जाएंगे COVID-19 के पैंडेमिक के इम्पैक्ट को झेलने में। ठीक है भाई, ये बातें यहाँ पे अब कही जा रही हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। ये जो कैपिटलिज्म का सिद्धांत था, और कैपिटलिज्म का सिद्धांत क्या है अभी तक गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ। ठीक है, कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी में कुछ फाइनल फर्क है, हालांकि बहुत हद तक ये दोनों आइडियाज़ एक दूसरे के साथ इंटरफियर ओवरलैप भी करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद पता चला कि भाई कैपिटलिज्म पूरी तरीके से एज एन इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म में मार्केट इकोनॉमी में नॉन मार्केट इकोनॉमी के आइडियाज़ को जोड़ के मिक्स्ड इकोनॉमी बदला गया, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को इंप्लीमेंट किया गया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के इंप्लीमेंटेशन में दो एक्सटेंशन बताए गए हैं। पहला एक्सटेंशन तो ये बताया गया है वॉशिंगटन कंसेंसस, मिड 1980s में लगभग 1985 के बाद वॉशिंगटन कंसेंसस के आइडियाज़ को इंप्लीमेंट किया गया, और उसके बाद उसका एक एडवांस्ड वर्जन ग्लोबलाइजेशन के फॉर्म में इंप्लीमेंट किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1995 के बाद। तो भाई कहीं ना कहीं जो वॉशिंगटन कंसेंसस था और 1995 के बाद जो WTO ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की बात की, इसके चलते जो कैपिटलिज्म की अवधारणा है वो बहुत तेजी से दुनिया में फैली। अब जो चाइना जैसी कंट्रीज थी इन्होंने अपनी मार्केट इकोनॉमी को बहुत तगड़े से रेगुलेट कर रखा था, तो ग्लोबलाइजेशन और वॉशिंगटन कंसेंसस के अच्छे आइडियाज तो चाइना ने पकड़ के अपने आप इंप्लीमेंट कर दिए, और जो बुरे आइडियाज थे उनको साइड कर दिया। लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज और बाकी कंट्रीज जिन्होंने सीमलेसली वॉशिंगटन कंसेंसस और ग्लोबलाइजेशन इन आइडियाज को अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी के आइडियाज को अडॉप्ट किया, वो ग्रो तो कर रहे हैं बट उस ग्रोथ में इक्विटेबल ग्रोथ नहीं है। और कहीं ना कहीं वॉशिंगटन कंसेंसस, मिक्स्ड इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज हमें गलत तरीके से नजर आए 2007 में जब US सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आ गई। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कैपिटलिज्म को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉशिंगटन कंसेंसस को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है आज की डेट में दुनिया भर में जो इनइक्विटेबल ग्रोथ हो रही है। और हमको ये पता है कि भाई कैपिटलिज्म तो आज भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। कहीं ना कहीं अमीर तबका जो एक देश का होता है, जो कॉरपोरेट तबका एक देश का होता है, वो इतना ताकतवर होता है कि वो कहीं ना कहीं सरकारों को भी कंट्रोल करता है। और देश के गरीब और मिडिल क्लास लोगों की क्या हालत है ये आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज की डेट में जो अलग अलग सरकारें हैं ना उनके अंदर एक व्यू पॉइंट उभर के आया है। व्यू पॉइंट क्या उभर के आया है, आज की डेट की सरकारें ये मानती हैं कि कैपिटलिज्म आइडियल नहीं है, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म में खामियां हैं, कैपिटलिज्म सस्टेनेबल नहीं है। बट ये इकोनॉमीज एट द सेम टाइम, ये सरकारें एट द सेम टाइम ये भी मानती हैं कि कैपिटलिज्म ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। अगर हमको ग्रोथ करना है तो कैपिटलिज्म को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। और हमारी जो प्रेजेंट सरकार है, पहले की जो सरकारें हैं वो भी यही मानती हैं। और सिर्फ हमारी सरकार की बात नहीं, दुनिया भर की सरकारें यही मानती हैं। दुनिया भर की सरकारों का ये मानना है, सब ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म सही नहीं है, कैपिटलिज्म लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन कैपिटलिज्म के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है।
कैपिटलिज्म में प्रो बिजनेस पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तो भाई टैक्स एग्जेम्पशंस देने पड़ेंगे, रिलैक्स लेबर लॉस देने पड़ेंगे। हमारी प्रेजेंट सरकार क्या कर रही है, लेबर लॉस को रिलैक्स कर रही है, ठीक है भाई, टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आके, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपना धंधा इंडिया में सेटअप करें, तो इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश करे, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इंडिया की इकॉनमी ऊपर जाएगी, पैसा जनरेट होगा, तो कहीं ना कहीं वो पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, लोगों के पास पहुंचेगा तो ग्रोथ होगा। मतलब सिंपल पॉलिसी है, ठीक है। चाइना वाला मॉडल बीजिंग कंसेंसस सीधे सीधे नहीं लगा पा रही है हमारी सरकार या दुनिया भर की और सरकारें, तो वो कह रही हैं कि भाई एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन है कैपिटलिज्म, हमें कैपिटलिज्म करना भी पड़ेगा किसी हाल में, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको बता दूं कि जो बीजिंग कंसेंसस था वो परफेक्ट नहीं है, जितना वो बीजिंग कंसेंसस यहाँ देखने में परफेक्ट लग रहा उतना है नहीं। आपको पता है कि जो चाइना की सरकार है, जिस प्रकार से चाइना में काम होता है ना, वहाँ के वर्करों का भी बहुत शोषण होता है। ये अलग बात है कि वहाँ के वर्कर पैसा कमाते हैं, पर शोषण उनका भी बहुत होता है। इंडिया में जब शोषण होता है तो उसके ऊपर लोगों की नज़र चली जाती है, उसके ऊपर सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बीजिंग में कोई क्रिटिसाइजमेंट है नहीं, आप वहाँ की सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो बस यही बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं कि दुनिया भर की सरकारों को इंक्लूडिंग इंडिया ये दिमाग में क्लियर हो गया है कि अगर ग्रोथ करनी है तो कैपिटलिज्म तो लाना ही पड़ेगा, भले ही वो सही नहीं है, ठीक है, प्रो बिजनेस पॉलिसीज तो लानी ही पड़ेंगी। इसीलिए जब यूनियन बजट आया 2015-16 का, तब भाई बहुत क्रिटिसाइज किया गया सरकार को कि भाई ये तो देश को बेचे दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स के हाथ में। तो उस समय पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने बोला कि देखिए भाई, नो डाउट ये बजट प्रो रिच है, वो कॉर्पोरेट है, बट ये बजट प्रो पुअर भी है। यहाँ पे अरुण जेटली साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, अरुण जेटली साहब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, कैपिटलिज्म हम मानते हैं कि पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन हमको अगर बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर पहुंचना है तो कुछ हद तक तो हमको कैपिटलिज्म को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे रह जाएंगे, हो सकता है पीछे चले जाए, क्योंकि इकॉनमी दुनिया भर की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसके साथ कैचअप करने के लिए प्रो बिजनेस पॉलिसीज तो इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड पॉलिसीज केवल वॉशिंगटन कंसेंसस में भी नहीं है, बीजिंग कंसेंसस में भी है। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों, अगली वीडियो में नेशनल इनकम से मैं शुरू करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।